ब्लैक ब्लेड। वन पीस के वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसको मास्टर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे कि हाकी या फिर कोई डेविल फ्रूट को अवेकनिंग करना। जैसे लूफी ने अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं किया, उसका डेविल फ्रूट खुद से अवेकन हुआ। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना ब्लैक ब्लेड की, तो भाई अभी तक सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं जिनके पास, या कह लो जिन्होंने ब्लैक ब्लेड अपने स्वॉर्ड को किया, एक हॉकाई, दूसरा सुसुई जिसे रियोमा ने किया था। अब यार देखो, ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट करना किसी भी स्वॉर्ड को हलवा का बात नहीं है, वरना यार सैंक्स का स्वॉर्ड भी ब्लैक ब्लेड नहीं है। रॉजर वाइट बियर्ड, चलो वाइट बियर्ड को हटा देते हैं, उसका तो नागिनाड़ा ब्लेड है, बट तुम रॉजर को ले लो जो कि खुद कन्फर्म किया है ओडा ने SBS में कि वो एक स्वॉर्ड्समैन था और उसका जो स्वॉर्ड था एस वो 12 सुप्रीम ग्रेड्स में आता था, लेकिन फिर भी उसका स्वॉर्ड भी ब्लैक ब्लेड नहीं था। और हम सभी को पता है भाई वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, पायरेट किंग है, उसने कितनों को धोया है। हाँ कुछ कुछ छोड़ के उनके साथ हमेशा मैच ड्रॉ ही रहा है, लेकिन भाई उस लेवल के बंदे के पास भी ब्लैक ब्लेड नहीं है। बात करूं अगर मैं हॉकाई की, तो भाई हॉकाई का जो स्वॉर्ड है योरू, जिसे वो ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर चुका है। और उसके अलावा आता है स्वॉर्ड गॉड रियोमा का स्वॉर्ड सुसोई, वो भी एक ब्लैक ब्लेड है। अब देखो ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट करने का खासियत क्या है। पहली बात तो अगर तुम्हारा स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बन जाता, या फिर तुम ऐसे स्वॉर्ड को कहीं से हासिल कर लेते हो जो कि ऑलरेडी ब्लैक ब्लेड है, तो हाँ तुम इससे लोगिया डेविल फ्रूट यूजर्स को अटैक कर सकते हो, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हो। हाँ तुम जान से नहीं मार सकते, पर उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पंख हजार्ड याद है, जोरो वहां पर सुसुई को यूज करता है मोनेट के खिलाफ, और वहां पर वो उसमें हाकी कोटिंग नहीं करता बिकॉज वो पहले से ही ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट है। और वो मोनेट जो कि एक लोगिया डेविल फ्रूट यूजर थी, उसको जब काटता बीच से वो मरती नहीं है। मतलब तुम सोचो ना यार, बीच से किसी बंदे को अगर तुम काट दे तो वो तो मर जाएगा, प्लस भले ही उसको डैमेज पहुंचता पर वो जान से नहीं मरती है। लेकिन हाँ इतना कह सकते हो कि उसको तुम डैमेज पहुंचा सकते हो पर जान से नहीं मार सकते। अगर जोरो वहां पर सुसोई को ब्लैक ब्लेड रहते हुए भी अगर वहां पे कोटिंग चढ़ाता, जैसे उसने पीका के खिलाफ किया था, उस तरह से अगर वो हाकी कोटिंग करके काटता ना, तो हाँ मोनेट मर जाती। वैसे उसके बाद मोनेट बची कहाँ, मर ही गई लास्ट में। पर हम सब बात कर रहे हैं ब्लैक ब्लेड के खासियत की, जैसे कि मैंने पहले एक खासियत बोल दिया, और एक चीज मैं तो कहना भूल गया, 7D आर्क में जोरो अगर किजारू को अपने ब्लैक ब्लेड से हिट करता तो हाँ किजारू को चोट पहुंचा सकता था, पर हाँ जोरो का किस्मत खराब है और किजारू सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और शायद वो अपने आप को हिट करने ही नहीं देता बिकॉज वो जितना फास्ट है मजाक नहीं है उसको हिट करना। लेकिन ये किसी भी स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट करना, देखो एक तरह से तुम समझो कि अगर तुम किसी स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर देते हो तो उसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। प्लस अभी तक हमने हॉकाई को अपने स्वॉर्ड को पूरी तरह से फुल पोटेंशियल पे यूज करते हुए नहीं देखा, मतलब क्या उसके पास कॉन्कर हाकी है कि नहीं ये भी नहीं पता। दो टाइप का हाकी तो आता ही है, कॉन्कर हाकी अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उसके पास भी कॉन्कर हाकी निकल जाए। और भाई ऐसे ही नहीं, वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। प्लस ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल उसके पास है, और सैंक्स और हॉकाई दोनों राइवल हुआ करते थे, इन दोनों की फाइट्स हमेशा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती थी, न्यू वर्ल्ड तक सुनाई देती थी। ये बात खुद वाइट बियर्ड कन्फर्म किया है, तो मजाक का बात नहीं है। और क्या सैंक्स उसको हराया होगा? देखो जिस हिसाब से सैंक्स का टाइटल है योंको का, तो लोग बोलेंगे कि सैंक्स हॉकाई से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्ट्रांगेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल हॉकाई के पास है। तो हम पूरी तरह से कन्फर्म के साथ नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ स्वॉर्ड्समैन देख के तो यही लगता है कि हॉकाई का पल्ला भारी है यहाँ पे। खैर फ्यूचर में जब ये चीज़ें रिवील होंगी और सैंक्स वर्सेस हॉकाई का फाइट हमें फ्लैशबैक के रूप में भी अगर दिखाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। बात करते हैं सुसोई की। देखो सुसोई हमें जो है थिलर बार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये किसके हाथ में था, किन दोनों के बीच में फाइट हुआ, कैसे मिला, अगर तुमने थिलर बार्क देखा है तुम सबको पता है। हॉकाई के बाद ये दूसरा ऐसा स्वॉर्ड है जो हमें दिखाया गया जो कि परमानेंट ब्लैक ब्लेड है। हाँ ये 12 सुप्रीम ग्रेड्स में नहीं आता है, ये ग्रेट ग्रेट स्वॉर्ड्स में आता है, लेकिन हाँ ये एक परमानेंट ब्लैक ब्लेड है और इसे यूज करता था स्वॉर्ड गॉड रियोमा। अब रियोमा को लेके हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे कि आखिर वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन उसको अगर स्वॉर्ड गॉड बोला जाता था तो मजाक में तो नहीं बोला जाता होगा। रियोमा के बाद
आई मीन कह लो रियोमा के बॉडी के बाद ये स्वॉर्ड जोरो के हाथ में थी और जोरो ने काफी टाइम तक रखा था इसको, सेबोंडी में रखा, उसके बाद वो हॉकाई से ट्रेनिंग के दौरान भी रखा था, फिर आगे जाके भाई वानो में ही वो फिर चेंज करता है, रिप्लेस करता है एनमा के बदले। और एनमा हम सबको पता है ये स्वॉर्ड कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसे किंग ऑफ हेल के नाम पे रखा गया था, इसका नाम सिमोत्सुकी कुज़ाबुरो ने बनाया था इसे। जिस तरह का ये स्वॉर्ड है, जिस तरह से इसने ब्लैक ब्लेड नहीं होने के बावजूद ओडेन के हाथ में जब ये था इसने काइडो को डैमेज दिया था, वो भी परमानेंट वाला स्कार दिया था भाई। तो हाँ, ये स्वॉर्ड कोई हलवा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला स्वॉर्ड है। प्लस ओडेन जो इसको मक्खन की तरह यूज़ करता था वो भी इसको परमानेंट ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, बट हाँ फ्यूचर में हो सकता है जोरो इसको ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर दे। वैसे थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि जोरो का स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बन चुका है, बस हमें दिखाया नहीं गया। जब जोरो जो है फ्यूचर में तलवार निकालेगा तो हमें हो सकता है वो ब्लैक ब्लेड में दिखे, तो देखते हैं क्या होता है। आई होप कि वो ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो ना, मैं दिल से कौन से स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड में देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वाडो इचिमुंडी को, बिकॉज ये स्वॉर्ड जोरो के पास बहुत ही लंबे टाइम से है। प्लस यही एक ऐसा स्वॉर्ड है जिसे जोरो अपने मुंह में दबा के फाइट करता है, मतलब ये स्वॉर्ड जो इसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। अगर ये फर्स्ट में ब्लैक ब्लेड नहीं बनती है ना, तो ये सेकंड में पक्का ब्लैक ब्लेड बनेगी। एनमा अगर पहले ब्लैक ब्लेड बन जाती है तो वाडो इचिमुंजी सेकंड स्वॉर्ड होगी जो जोरो की ब्लैक ब्लेड बनेगी, ऐसा मेरे को लगता है। और मैं भाई दिल से चाहता हूँ कि ये ब्लैक ब्लेड बन जाए, बिकॉज ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जब जोरो को हाकी नहीं आती थी उस वक्त ये हॉकाई का अटैक झेल गई थी, जबकि बाकी के जो दो स्वॉर्ड थे वो टूट गए थे। चलो आओ थोड़ा बात कर लेते हैं भाई एक और स्वॉर्ड की जो मेरे को लगता है कि ब्लैक ब्लेड होगी। अभी तक ओडा छिपा के रखा है, दिखाया नहीं है, लेकिन वो ब्लैक ब्लेड हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ पांच बुद्धों में से एक गांधी बुद्धे के स्वॉर्ड की, जो कि कितेसु स्वॉर्ड है। और हाँ, इस बुढ़ों के हाथ में है तो हो सकता है कि इसका भी स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड हो। ओडा इसको छिपा के काफ़ी ज़्यादा रखा है, इसके तलवार को कभी भी रिवील नहीं किया है, और एक तरह से कह ले तो भाई फाइव एल्डर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मरीन्स को पता है, लेकिन जब बात आती है पायरेट्स की तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि फाइव एल्डर्स हैं। और अगर हॉकाई के पास वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल है कभी हॉकाई, तो इसके साथ तो भिड़ा होगा नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है। और ये बूढ़ा, मुझे लगता है ये बूढ़े के पास ब्लैक ब्लेड हो सकता है। इसका स्वॉर्ड अगर ब्लैक ब्लेड नहीं होगा तो एक तरह से यार मजाक हो जाएगा, ये इतने टाइम से इतना एक्सपीरियंस बंदा है, प्लस इतना एज भी हो रहा है, तो हो सकता है इसका स्वॉर्ड भी ब्लैक ब्लेड हो। देखते हैं फ्यूचर में इसका स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड निकलता है कि नहीं निकलता है, देखने में मजा आएगा। वैसे एक और चीज़ भी है, ये ब्लैक ब्लेड बनाना किसी भी स्वॉर्ड्समैन के लिए आसान नहीं है। रॉजर ये काम नहीं कर पाया था, सैंक्स ये काम नहीं कर पाया, रैली ये काम नहीं कर पाया, वाइट बियर्ड ये काम नहीं कर पाया। पर एक स्वॉर्ड्समैन के हिसाब से अगर हम देखें तो हॉकाई तो अभी के टाइम पे एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन रियोमा भाई वो एक लेजेंड है। जिस तरह से लोग जॉय बॉय का नाम लेते हैं, लोग रॉजर का नाम लेते हैं, वाइट बियर्ड का नाम लेते हैं, ये सब एक लेजेंड है, लेकिन रियोमा को स्वॉर्ड गॉड बोला जाता, मतलब भाई मजाक है। ये बंदा जब अपने टाइम पे भाई जिंदा होगा, ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा, ये कोई मजाक नहीं हो सकता। वैसे मैंने बहुत टाइम पहले रियोमा के वन शॉट मांगा के ऊपर मैंने जो है वीडियो बनाया था, और हाँ वो वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारे मांगा पेजेस को यूज़ किया था, जिस वजह से मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर रखा है। क्या कहते हो, मैं उसको इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। वैसे एक बात तो है, मैं बहुत टाइम से मतलब वीडियोस डाल रहा हूँ लेकिन थोड़ा ब्रेक ले लेके डाल रहा हूँ, और हाँ मुझे पता है तुम सब जो है काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हो, और ट्राई करूँगा तुम सबके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की, ताकि तुम सब भी बोर ना हो सको। और तुम सब इतने टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लगता है तुम सब। मैं चार पाँच दिन, कभी कभी एक हफ्ता, कभी कभी दस दिन के लिए गायब हो जाता हूँ, फिर भी वीडियो जब मैं ला के दोबारा डालता हूँ, तुम सब यार वेट करते हो जब मैं वीडियो डालता हूँ, मेरे हर वीडियो पे व्यूज़ देते हो लगभग, और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना यार। वीडियो पसंद आए लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक करो, और कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हो अपनी। और हाँ, ब्लीच के बारे में भी कुछ कह रहे थे ना, देखते हैं बना देते, ब्लीच का सेकंड ट्रेलर आया उस पर भी बात करेंगे, सेकंड चैनल पे शायद परसों या नरसों को बना दूंगा, बिकॉज मैं तुम सबके लिए एक कमाल के वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो वीडियो भी शायद कल या परसों तुमको देखने को मिल जाए।
तो सेकंड चैनल पे भी वीडियो बना दूंगा ब्लीच के सेकंड ट्रेलर को लेके, तो उसके लिए भी वेट करना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।